झारखंड में सीट बंटवारा को लेकर इंडी गठबंधन का कोई भी धड़ा संतुष्ट नहीं दिख रहा है। चमरा लिंडा झारखंड के लोहरदगा सीट से लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं, इसके लिए उन्होंने अपनी ताल भी ठोक दी है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी की मुश्किलें अब बढ़ती नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस पार्टी का कहना है कि उनका यह सीट पारंपरिक है और किसी भी सूरत में सीट को नहीं छोड़ना चाहते। इधर जेएमएम भी अपनी बातों पर अड़ा हुआ है। अब तक की हवाओं की बात करें जो फलके चल रही है, झामुमो को झारखंड में मात्र 5 सीटें देना चाहती है कांग्रेस। इसमें कुछ नाम है जो हम आपको बताते हैं, जिसमें जमशेदपुर, सिंहभूम, राजमहल, दुमका, गिरिडीह, इसके अलावा कांग्रेस रांची, हजारीबाग, धनबाद, खूंटी, पलामू, गोड्डा और लोहरदगा रखना चाहती है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस आरजेडी को चतरा और वाम दल को कोडरमा देना चाहती है। वहीं जेएमएम लोहरदगा सीट पर भी अपनी नजरें गड़ाए हुए हैं। वहीं लालू यादव की पार्टी आरजेडी की बात करें तो उनकी ओर से गठबंधन के तहत पलामू और चतरा सीट की मांग की जा रही है। ऐसे में मोदी की लहर में इस तरह पार्टियों के बीच फूट होना बीजेपी के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। तो चलिए लोहरदगा लोकसभा सीट को थोड़ा करीब से देखते हैं और जिस लोहरदगा सीट पर चमरा लिंडा ताल ठोक रहे हैं उस सीट पर उनका क्या सियासी समीकरण है, थोड़ा नजदीक से समझने की कोशिश करते हैं। लोहरदगा लोकसभा सीट आदिवासी बहुल क्षेत्र है। लोहरदगा गुमला जैसे पहाड़ी सुदूर और जंगलों से घिरा हुआ है और इनके बीच एक बहुत बड़ी आबादी निवास करती है। अनुसूचित जनजाति रिजर्व सीट में हमेशा से सभी प्रमुख दलों की नजर रही है। लोहरदगा लोकसभा सीट में भाजपा कांग्रेस के बीच मुकाबला की परंपरा रही है। राजनीतिक उतार चढ़ाव के बीच लोहरदगा के लोगों ने राजनीतिक हलचल भी देखा है। लोहरदगा लोकसभा सीट में भाजपा और कांग्रेस के बीच की मुकाबला की परंपरा रही है। यहाँ जो भी परिणाम रहा है हमेशा ही चौंकाने वाला रहा है। कांग्रेस भाजपा के बीच सीधा मुकाबला होता है तो कभी निर्दलीय प्रत्याशी की उपस्थिति में त्रिकोणी मुकाबला की भी तस्वीरें देखने को मिलती है। इस बार कुछ वैसे ही हालात नजर आ रहे हैं। झारखंड में कांग्रेस, जेएमएम और आरजेडी दल के बीच गठबंधन है और तीनों दल इंडिया के गठबंधन का हिस्सा भी है। झारखंड लोकसभा चुनाव में सीटों के बंटवारे को लेकर महागठबंधन के बीच की स्थिति कुछ उलझा सा दिखाई दे रहा है। इसका एक बड़ा उदाहरण लोहरदगा बन सकता है। लोहरदगा लोकसभा सीट में पिछले कई लोकसभा चुनाव से भाजपा कांग्रेस के बीच ही मुकाबला रहा है। इस बार झारखंड मुक्ति मोर्चा लोकसभा सीट पर अपना दावा कर रही है। इसके पीछे की वजह यह है कि गुमला जिले की बिसुनपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक और झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता चमरा लिंडा के लोहरदगा लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने के कयास लगाए जा रहे हैं। चमरा लिंडा इस क्षेत्र में एक मजबूत पकड़ रखते हैं, उनका अपना वोट बैंक है। यदि चमरा लिंडा लोहरदगा लोकसभा सीट से चुनाव लड़ते हैं तो इसका सबसे अधिक नुकसान कांग्रेस पार्टी का होगा। अब देखना यह भी होगा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस के बीच लोहरदगा लोकसभा सीट को लेकर किस प्रकार समझौता करता है। लोहरदगा लोकसभा सीट में चमरा लिंडा के दावा करने के पीछे एक वजह भी है। चुनावी आंकड़ों पर गौर करें तो साल 2004 के चुनाव से लेकर 2014 तक के चुनाव में चमरा लिंडा ने भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशियों की नींद उड़ा करके रख दी थी। साल 2014 के चुनाव में चमरा लिंडा लोहरदगा लोकसभा सीट से स्वतंत्र प्रत्याशी के रूप में चुनाव मैदान में उतरे थे। वर्ष 2004 का चुनाव कांग्रेस पार्टी के डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने जीता था। इस चुनाव में 223,920 वोट मिले थे, जबकि दूसरे स्थान पर रहने वाले भारतीय जनता पार्टी के दुखा भगत को 133,665 वोट मिले थे। वहीं निर्दलीय प्रत्याशी चमरा लिंडा 58,947 वोट लाकर सबको हैरान कर दिया था। वर्ष 2009 के चुनाव में फिर एक बार चमरा लिंडा चुनाव के मैदान में थे। इस बार फिर वह निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़े थे। इस लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के सुदर्शन भगत चुनाव जीत गए थे। सुदर्शन भगत को 144,628 वोट मिले थे और निर्दलीय प्रत्याशी चमरा लिंडा को 136,345 वोट मिले। और वहीं तीसरे स्थान पर रहने वाले कांग्रेस के डॉक्टर रामेश्वर उरांव को 129,622 वोट मिले थे। 2014 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के सुदर्शन भगत चुनाव जीते थे। इस चुनाव में उन्हें 226,666 वोट मिले थे, जबकि दूसरे स्थान पर रहने वाले कांग्रेस के रामेश्वर उरांव को 220,177 वोट मिले थे। वहीं तीसरे स्थान पर रहने वाले ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के प्रत्याशी रहे चमरा लिंडा को
18,355 वोट मिले थे। कई चुनाव में बड़े बड़े राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों के पसीने छुड़ा चुके चमरा लिंडा इस बार चुनाव मैदान में उतरने की स्थिति में बने हुए हैं। ऐसे में देखना होगा कि भाजपा और कांग्रेस की राह कितनी मुश्किल होती है। छामुमो के विधायक और लंबे समय से असंतुष्ट चल रहे विधायक लोबिन हेमरन ने राजमहल के वर्तमान सांसद विजय हांसदा को टिकट मिलने पर उनके खिलाफ चुनाव लड़ने की बात कह दी है। वो झारखंड पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। ऐसी स्थिति में आदिवासियों की वोटों की बंटवारा होने की संभावनाएं है, जिस पर भाजपा की नजर गड़ी हुई है। इस तरह गोड्डा लोकसभा सीट पर कांग्रेस नेता फुरकान अंसारी टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। टिकट नहीं मिलने पर उनकी नाराजगी वोटरों के बीच कितनी प्रभावी होगी, इस पर भी भाजपा की नजर है। तो आपने देखा कि किस प्रकार इंडिया गठबंधन में फूट देखने को मिल रहा है। अभी तक झारखंड में टिकट का अनाउंस तक नहीं हुआ है, तो टिकट मिलने के बाद कितने विधायक बगावत करते हैं यह भी देखना काफी दिलचस्प होगा। तो चलिए मिलते हैं अगले इसी प्रकार के कुछ और वीडियो के साथ। तब तक के लिए चौहान।